चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधे रुक करेंगे टनकपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। प्रस्तुति के लिए दिन बनना और बात है, शाम बन जाना कुछ और बात है।
दबाव की प्रस्तुति। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहा हूं, श्री नरेंद्र भंडारी जी स्वागत संबोधन के लिए वे मंच पे आएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिलाधिकारी महोदय का। आज सभी जनता को बहुत बहुत नमस्कार। इतनी आपने तादाद में हमारे सरस मेला जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे शुरू कराया है, तो पहले एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि पहली बार सरस मेला चंपावत में हो रहा है। और कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारा, तो वैसा यहाँ पे चंपावत में हो रहा है। आप देख रहे हैं दिनों दिन आदर्श चंपावत की अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर मैम, ऑनरेबल चेयरपर्सन जिला पंचायत, सभी डिग्निटरीज ऑन द डायस, हमारे मीडिया बंधु, हमारे सभी कार्मिक पुलिस फोर्स और सभी हमारी सम्मानित जनता, मेरा आप सब से यही निवेदन है कि सरस मेले को, सरस मेला जो हमारा 2023 है, इसको कामयाब बनाएं। जो यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, बहुत दूर दूर राज्यों से पब्लिक आई है, हमारे पूरे पहाड़ों से 13 जनपद सभी से स्टॉल लगे हैं। जो महिलाएं दिन भर काम करती, पूरे सालों साल काम करती हैं, वो अपना प्रोड्यूस यहाँ पर लेकर आई हैं। एक तरह से सारे 13 जनपदों का एक तरह से कहते हैं पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी यहाँ पे है। तो आप कृपया जो ये प्रोड्यूस है इसको जरूर खरीदें। और हमारे 10 दिन यहाँ पे स्टार नाइट्स हैं, इसमें बहुत सारे कलाकार आएंगे, पांडवास बैंड आएगा आपको इंटरटेन करने के लिए, पूरे उत्तराखंड से बैंड आएंगे, एक तरह से हमारा फोक फेस्टिवल होगा ये। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर पार्टिसिपेट करें और स्टॉल से जो हमारा प्रोड्यूस है जरूर खरीदें। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सरस मेला, इतना बड़ा मेला जनपद चंपावत स्पेशली कनकपुर को दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, शिव स्तुति आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उसके लिए बच्चों को जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत।